हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह, आप देख रहे हैं लहरे। सो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवी श्री प्रसाद सर, जिन्होंने हमें कई ऐसी यादें दी है जो हमें भूलना नामुमकिन है। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम सो गुड, थैंक यू ऑल सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया है सबको। सो सर, इतने अच्छे अच्छे गाने दे रहे हैं आप हमें, मतलब कहाँ से आते हैं ये ख्याल आपके दिमाग में? ये बात मुझे भी नहीं मालूम है कहाँ से आते हैं गाने। ऐसे आते हैं, तो आई थिंक इट ऑल कम्स फ्रॉम द फील, यू नो, ऑफ ए फिल्म। द मूवी डज द मैजिक एंड योर लव टूवर्ड्स योर वर्क डज द मैजिक। हाँ, सो सर बात करेंगे, अभी जो मूवी आ रही है दृश्यम 2, जिसके लिए भी आपने बहुत काम किया है, और जैसे कि ये जो फिल्म है दृश्यम 2, ये सस्पेंस से भरी हुई मूवी थी। सो इसके लिए गाना बनाना मतलब आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था? सो कितना टाइम लगा आपको इसके ऊपर काम करने में? ओके, डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन एक्साइटिंग तो था, क्योंकि ये जॉनर में इससे पहले कभी नहीं किया, तो मैं वेट कर रहा था कि ऐसा एक फिल्म करना है। तो दृश्यम 1 हम सबका फेवरेट फिल्म थे, सो मेरा भी फेवरेट फिल्म है दृश्यम 1। सो व्हेन दे अप्रोच मी फॉर दृश्यम 2, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि ओके, सो दिस एंड द बेस्ट पार्ट इज इन अदर लैंग्वेज में मैं दृश्यम 2 अभी तक नहीं देखा, तो तब दृश्यम 2 हिंदी आया था, तो मैंने सोचा कि ओके, मैं फ्रेश ऑडियंस रहना बहुत ज़रूरी पड़ता है ना, तो आई हैव अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द फिल्म। सो दृश्यम 2 का वर्जन सिर्फ हिंदी में ही देखा हूँ मैं। तो मैंने देखा, और अनदर बेस्ट पार्ट इज़ दैट बाय द टाइम दे अप्रोच मी दे हैड ऑलरेडी शॉट लॉट ऑफ फिल्म, सो दे शोड मी द एडिटेड पार्ट, द अनएडिटेड पार्ट, एवरीथिंग दे शोड मी, सो आई फेल इन लव विद द विजुअल्स, द वे इट इज़ मेड, द वे इट इज़ शॉट। एंड डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने, डायरेक्टर अभिषेक पाठक सर ने, यू नो, ही डिड अ ग्रेट जॉब इन मेकिंग द फिल्म, एंड द परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल द एक्टर्स, अजय सर एंड टबू मैम एंड अक्षय खन्ना सर, श्रेया, so beautiful. So I had a great time watching the film and I loved the visuals, so that inspired me to, you know, immediately say, you know, yeah, let's do it and let's do the song. And songs mein toh, like you said, they're not regular songs, they're very intense songs and so interviewed with the film, lekin mujhe bahut pasand hai aisa gaane karne ka, so sab film mein aisa mauka nahi milta hai na to aisa gaane ka, so so I went then forming my concepts and let's the family song ko maine kaha ki let's make it very sweet and family style but yet very catchy. So aaj sab log hum kar rahe hain aur ga rahe hain aur reels bana rahe hain, to bahut khush hain hum. And the other song sung by the legendary Usha Uthup ma'am, that's a Drishyam title track. Thought, you know, ek dark gana hona chahiye ye gana. So I thought I should get some, you know, Arabian Nights kind of vocals, that style, but you know, with lot of Western style and lot of cellos happening, because cello is the main instrument I kept, like the, you know, for the theme of the film Drishyam. So we did that, and Usha Uthup ma'am did a great job on the song as always, and of course the family song was by Zubin Nautiyal. And then we did another song which is also dark, but then I thought थोड़ा अलग होना चाहिए, यू नो, वो सॉन्ग से ये सॉन्ग अलग होना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत हिप हॉप स्टाइल में किया, लेकिन हिप हॉप में सितार और शहना ये सब यूज़ किया। सो अभिषेक पाठक सर ने भी कहा, इट साउंडिंग वेरी डिफरेंट, यू नो, देन वी मेड इट रैप। अमिताभ भट्टाचार्य सर हैज़ रिटन द रैप इटसेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो अभिषेक सर वॉज वेरी एक्साइटेड, ही सेड इट्स वेरी डिफरेंट, आई हैव नॉट एवर हर्ड सितार्स एंड शहना इज हैपनिंग ऑन अ रैप सॉन्ग ऑन अ हिप हॉप स्टाइल। So when we got this happening rapper King to do that, and that has also come out brilliantly, and even King was very excited because for him also ye bahut alag gana hai, lekin regular rap nahi hai, thoda emotional or very expressive, and you know, I wanted him to sing in a very like subtle low scale, and all that really worked for the song. जैसे कि आपने कहा आपके गानों पर रील्स भी काफ़ी बन रहे हैं, सो आपने अभी तक कितने रील्स देख चुके हैं कि और वो एक्साइटमेंट कितनी बढ़ रही है आपकी? मैं बहुत सारे रील्स देख चुका हूँ अभी तक, और अभी मैंने भी विद सम म्यूजिशियंस में भी कुछ रील्स किया, वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियंस एंड सम गिटारिस्ट, सम तबलिस्ट, सम सिंगर्स, एवरीबडी हैड कम, सो वी ऑल जैम टुगेदर एंड दैट वाज वेरी नाइस। सो आई थिंक वो रील्स भी अब आपको देखने को मिलते हैं। सो जैसे कि सर आपने
कई स्टार्स के साथ काम किया है, एक से एक दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया आपने, तो अजय सर के साथ अभी दृश्यम 2 के लिए काम करके आपको मतलब एक होता है ना माइंड सेट होता है कि हाँ मेरे सामने ये स्टार होने वाला है तो मुझे इसके लिए गाना रेडी करना है, सो उसके लिए आपको आपके लिए क्या था वो? So Ajay sir, in this movie, it's very intense performance, right? And it's very tough to, you know, maintain the same kind of emotion because there is something running in his mind in the film, you know, all the scenes. And we can, that's why when I met Ajay sir also, the first thing I told is that, sir, I love that, especially towards the climax, there are some scenes where he gives a very, you know, it can't be too expressive and it can't be very subtle also. Somewhere in between, maintaining that is the toughest part in acting, I feel. So that he has really killed it, you know, done it in another level. So I feel that because of his expressions and the mood, that actually decides the background score of the film. See, always know the when the main character of the film, the hero of the film, in which mood, that actually defines more or less the whole film, right? The music of the entire film. And then that came out so beautifully because of his intensity. So that's what I told him. And all the scenes that I loved also, I was telling him. But I can't tell you those scenes now. Because you haven't seen the film until now. So after watching it, we can talk about it. But Tabu Ma'am's performance, Akshay sir, you know, is a special edition in this film. And he did a great job. And that's why I did what I did. हर एक कैरेक्टर को एक एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, तो अजय सर का कैरेक्टर के लिए मैंने चिलो यूज़ किया और बेल्स यूज़ किया, वो मेन थीम होता है फिल्म का, दृश्यम 2 का फिल्म चिलो में आता है और बेल्स में आता है, वो सब अजय सर का नरेशन होता है. एंड देन टबू मैम के लिए मैंने सोलो हमिंग यूज़ किया, सोलो फीमेल हमिंग, क्योंकि वो पावरफुल पुलिस ऑफिसर भी है एंड एट द सेम टाइम वो माँ भी है इन द फिल्म, सो शी हैज़ द पावर एंड द पेन, सो दोनों को एस्टेब्लिश करने के लिए वो सिर्फ टबू मैम का कैरेक्टर के लिए मैंने वो वॉइस यूज़ किया. और अक्षय खन्ना सर का रोल बहुत बहुत पावरफुल है, वो सब दिमाग से चल, नो वो वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर, सो इसको डिपिक्ट करने के लिए मैंने वो फ्रेंच हॉर्न, तो उसको सुनने में आपको मालूम हो जाता है कि ओ वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो बहुत सटल है, बहुत रिलैक्स्ड, बट लेकिन ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ प्लानिंग एवरीथिंग इन हिज माइंड, यू नो, ऐसा फीलिंग आना चाहिए वो बैकग्राउंड स्कोर से. सो ऐसा सब प्लान करके किया और अंत में टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स व्हेन इट कम्स ऑल द थीम्स कम एंड मर्ज इनटू वन म्यूजिक एंड दैट्स हाउ आई कंक्लूड द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ द फिल्म. देन इट गोज़ इनटू दिस रैप सॉन्ग which tells the story of the, I mean, the intention of the hero, which is called Galat Sahi. So he says, "Jo bhi main, galat ko bhi main sahi tarah se karne ka nishchay kiya." is the concept of the song.